डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। खेत में पानी लगाने को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि 22 राउंड फायरिंग ही कर डाली, जिसमें एक युवक को 2 गोली लगी। फिलहाल अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। दरअसल मामला थाना परीक्षित गढ़ के पूठी गांव का है। मनीष फसलों को पानी लगा रहा था, इसी बीच बगल में स्थित धर्मेंद्र के खेत में पानी चला गया। ये देख आग बबूला हुआ धर्मेंद्र झगड़े पर उतर आया। दोनों के बीच काफी देर तक चली कहासुनी के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत करा दिया, जिसके बाद मनीष ट्रैक्टर से अपने घर जाने लगा। तो तभी धर्मेंद्र पक्ष की ओर से 5 लोग आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें मनीष को 2 गोली लगी। फिलहाल मनीष हालत गंभीर के चलते ICU में है। जानकारी पर पुलिस भी पहुंच गई है, वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। बबलू त्यागी, गोली चली, मतलब 15-20 कोई रेस्यू नहीं था। वो नाली मांग रहा था खेत में को, अपने खेत में को, वहाँ को हम नाली नहीं देना चाह रहे थे। वहाँ जा ये धर्मेंद्र उठी का हुआ कुछ नहीं, उसका मुँह जो रही वहाँ से, हम वहाँ से चले आए। इतने रास्ते के बीच में आकर घर से आके गोली चलाई भाई के छोटे के मनीष त्यागी। कम से कम 20-22 राउंड फायरिंग हुई है, 2 इसका लगी। अब तो ICU में है, वैसे ठीक है, ऑपरेशन हो रहा है। सर, दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, क्या मामला इसमें और क्या अपडेट है अब तक की? ये थाना परीक्षितगढ़ के गांव पूठी का प्रकरण है, जिसमें दो पक्षों में सिर्फ विवाद इस बात पे हुआ कि उनका एक पक्ष का पानी जा रहा था, दूसरे पक्ष के खेत में चला गया, जिसे नाराज होकर दूसरे पक्ष ने एक पक्ष में गोली चला दी, जिसमें एक आदमी घायल है। इनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है और वो अभी स्वस्थ हैं। उपचारांत तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दो अभियुक्त जिनका नाम प्रकाश में आए हैं, इनके खिलाफ उन लोगों ने बताए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, तकरीबन कितने राउंड फायरिंग चली है? अब बताया जा रहा है कि जो जिसने गोली चलाई है वो दोनों हाथों से अपाहिज है। हाँ, बताया जा रहा है, लेकिन वो आदमी गाड़ी भी चलाता है, मोटरसाइकिल भी चलाता है और सारे काम करते हैं, और वो इसका पूर्व में भी लाभ ले चुके हैं, लेकिन वो इस कृत्य को करते हैं, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।